Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. This is Neema Mohanty, your physics teacher. Students, आज हम जो चीज सीखने जा रहे हैं that is relationship between force and momentum. Students, previous articles में हमने ये पढ़ा है कि force एक agent है या force एक agency है that tries to move or tries to stop the motion. Students, यहाँ पे momentum के बारे में बताना जरूरी है कि momentum हमने ये पढ़ा था कि quantity of motion को कहते हैं. तो आज हम देखेंगे इन दोनों में जो relationship है वो क्या है और इसकी बुनियाद में हम force को इस तरह से define करेंगे कि force बेसिकली चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है या टाइम के लिहाज से अगर मोमेंटम में तब्दीली आए इसको हम फोर्स कहते हैं. इन अदर वर्ड्स फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में अगर तब्दीली आए. तो आज हमने इसको डिराइव करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसको हमने कोशिश करनी है अच्छी तरीके से हम लर्न कर सकें. Let's suppose first there is an object with that some force on it. या कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगती है तो उसकी स्टार्टिंग में भी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी. फोर्स लगती जा रही है और वो एक फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेता है. तो जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी इनिशियल वी आई होती है. उस वक्त उसका मोमेंटम जो होगा दैट विल बी इनिशियल मोमेंटम. जब वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी तो उसकी जो मोमेंटम होगी दैट विल बी फाइनल मोमेंटम. इन दोनों में हम रिलेशनशिप बिल्ड करके हम जाएंगे अपने जो फाइनल गोल है मींस फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आइए सीखते हैं मेरे साथ. देखिए क्या है ये मोमेंटम. ओपन योर बुक्स and see what is momentum. आज हमने जो पढ़ना है that is relationship between force and momentum. तो momentum जैसे मैंने आपको बताया the quantity of motion in an object is known as momentum और इसे p से represent करते हैं. ये एक vector quantity है. तो students अगर आप definition देख सकें that is force acting on a body will be equal to the rate of change of momentum. इसको हम क्या कहते हैं फोर्स. और मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. ये जो ये चीज़ बनी है जैसे ट्राइंगल इसको डेल्टा बोलते हैं और ये चेंज को शो करता है वेरी स्मॉल चेंज को. तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी. कुछ टाइम के बाद वो वी एफ हो जाएगी. स्टार्टिंग में उसका मोमेंटम जो होगा वो पी आई होगा और फाइनल मोमेंटम पी एफ होगा. तो स्टूडेंट्स हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. आइए देखते हैं यहाँ पे. वी नो दैट मोमेंटम उसका फार्मूला क्या है पी इज इक्वल टू एम वी. ये जो ऊपर साइन डाले हैं ये वैक्टर के साइन है. इसमें मोमेंटम भी वैक्टर है और वेलोसिटी भी वैक्टर है. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा पी आई होगा और इनिशियल वेलोसिटी वी आई की वजह से. फाइनल मोमेंटम पी एफ होगा फाइनल वेलोसिटी वी एफ की वजह से. तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि चेंज जो होती है वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल. तो उसको हम डेल्टा पी से लिखते हैं क्योंकि ये मोमेंटम में चेंज है. डेल्टा पी से लिख देंगे. अगर वेलोसिटी में होगी तो डेल्टा वी से लिख देंगे. नाउ स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि पी एफ की जगह पे एम वी एफ और पी आई की जगह पे एम वी आई. वो कहाँ से लिया हमने ये अभी दो इक्वेशन जो बिल्ड की है यहाँ से वैल्यूज मैंने पुट कर दी. नाउ यहाँ से और यहाँ से मैंने एम कॉमन ले लिया. वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डेल्टा पी. स्टूडेंट्स हमें पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे किया जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर वक्त के लिहाज से देखें या टाइम पे डिवाइड करके देखें तो उसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं. तो मैंने क्या किया है इस इक्वेशन को टाइम पे डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे. नाउ स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि एक्सीलरेशन जो होता है ना वेलोसिटी में तब्दीली को कहते हैं.
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो ये इस रिलेशन से डेल्टा वी और डेल्टा टी इसे भी लिखा जाता है। नाउ इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री क्या थी, ये वाली, ये कुछ यूं बन जाएगी, एम ए, यानी एम तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ था, ये वाला, सिर्फ ये फैक्टर जो है वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, इसकी जगह पे ए आ जाएगा जो कि एक्सीलरेशन है। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, हमें बताया न्यूटन के सेकंड लॉ से कि फोर्स जो होती है ये एम ए के इक्वल होती है, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। सो अब इक्वेशन नंबर फाइव ये वाली, इसकी जगह पे हम एफ पुट कर सकते हैं, तो वो मैंने पुट कर दिए, और हम एफ को पहले लिख सकते हैं, दैट इज़ डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये रिलेशन जो है ये हमने यहाँ पर स्टार्ट में लिखा था इस जगह पर, दैट हैव बीन प्रूव्ड, कि हमने इक्वेशंस की मदद से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये शो करता है कि फोर्स जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो ये फोर्स की एक हमारे पास नई डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टुडेज लेक्चर, दिस इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।